हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हरबीर सिंह और आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय। इससे पहले हमने दो संप्रदाय संरचनावादी और प्रकार्यवाद, संरचनावाद और प्रकार्यवाद दो जो संप्रदाय थे हमने कर लिए थे। अभी दोस्तों हम तीन संप्रदाय इस वीडियो में करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या कम्युनिटी ऑफ साइकोलॉजी। आपको बता दिया था कि जो संप्रदाय होता है इसका मतलब क्या होता है कि किसी मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक मत देना, एक विचारधारा रखना या मतलब एक बात को फॉलो करना, तो वो एक संप्रदाय हो गया। तो दोस्तों अभी पॉइंट है व्यवहारवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म बोलते हैं व्यवहारवाद को। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो कौन थे? जे वी वॉटसन दोस्तों व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। इसके बाद जो क्लार्क हैं, हल है, टॉलमैन है और सिकनर है, इन्होंने भी दोस्तों काफी छाप छोड़ी थी व्यवहारवाद के लिए, इन्होंने काफी सहयोग किया था। तो प्रमुख प्रवर्तक हो गए जे बी वॉटसन, क्लार्क, हल, टॉलमैन और सिकनर ने काफी छाप छोड़ी थी, मतलब इनका भी काफी रोल है, ऐसा नहीं कि इनका रोल नहीं है। तो दोस्तों अभी पॉइंट है कि मनोविज्ञान जो व्यवहारवाद है मनोविज्ञान में, तो दोस्तों ये क्या मानते थे, इनकी क्या विचारधारा रहती थी? तो दोस्तों आप ये पॉइंट देख सकते हैं, इन्होंने वंशानुक्रम की भूमिका को नकारा। इन्होंने ये नहीं माना कि आदमी के जो वंशानुक्रम है वो बहुत महत्व रखते हैं। इनके अनुसार वंशानुक्रम की जो भूमिका थी इन्होंने उसको नकार दिया। और दोस्तों इन्होंने क्या माना? वातावरण के महत्व को स्वीकार किया। दोस्तों इन्होंने वातावरण की जो भूमिका है उसको माना है, वंशानुक्रम की भूमिका को इन्होंने नकार दिया है व्यवहारवादियों ने, ये आप ध्यान रखें। प्रमुख प्रवर्तक जे बी वॉटसन, क्लार्क, हल, टॉलमैन और सिकनर ने भी काफी छाप छोड़ी थी, काफी सहयोग किया था। इसके बाद दोस्तों एक और आता है पॉइंट, समग्रवाद, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं गेस्टाल्टइज्म। जो गेस्टाल्टवादी होते हैं, गेस्टाल्टइज्म इसे बोलते हैं, समग्रवाद, गेस्टाल्टवादी। तो दोस्तों इसका यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी प्रमुख प्रवर्तक कौन थे इसके? वर्दिमर, कोहलर, लेविन और कोफ्का। वर्दिमर, कोहलर, लेविन और कोफ्का इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। तो दोस्तों ये क्या मानते थे? इनके अनुसार व्यवहार का अलग अलग हिस्सों में अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये क्या मानते थे जो गेस्टाल्टवादी थे? इनके अनुसार जो व्यवहार है हमारा उसका अलग अलग हिस्सों में अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो ये क्या मानते थे? गेस्टाल्टवादी किसी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखते थे, मतलब एज अ होल देखते थे, मतलब एक ही उसमें, ये नहीं कि व्यवहार को अलग अलग करके उसका अध्ययन किया जा सकता है, ऐसा ये नहीं मानते थे। ये मानते थे कि व्यवहार को अलग अलग हिस्सों में करके उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। और ये मानते थे कि किसी भी वस्तु या किसी भी कंडीशन को हम मतलब एक रूप में देखते हैं, समग्र रूप में। तो दोस्तों ये समग्रवादी, गेस्टाल्टवादी हैं, जो ये अलग अलग हिस्सों में मतलब व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता ये मानते थे। और ये कहते थे कि जो परिस्थिति है या कोई भी वस्तु है उसको समग्र रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणवाद, जिसे दोस्तों बोलते हैं हम साइको एनालिसिस। तो दोस्तों मनोविश्लेषणवाद है साइको एनालिसिस। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो सिगमंड फ्रायड दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक थे। और ये क्या मानते थे? इन्होंने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर बल दिया, जो अचेतन मानसिक क्रियाएं हैं दोस्तों उस पर बल दिया। इनके अनुसार अधिकांश मुख्य कारण अचेतन में छिपे होते हैं,
दोस्तों इन्होंने अचेतन मानसिक क्रियाओं पे बल दिया, ये आप ध्यान रखें। और ये क्या मानते थे कि जो मुख्य कारण है वो कहां पे छिपे होते हैं? अचेतन में छिपे होते हैं। तो ये कौन मानते थे? सिगमंड फ्रायड, जो मनोविश्लेषणवाद है इसके प्रवर्तक थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।